हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी स्पोर्ट गुरुजी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में 16th T20 मैच खेला जाएगा वुमेन बिग बैश सुपर लीग का। साथ ही में हम बात करने वाले दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में और बनाएंगे एम बेस्ट ड्रीम इलेवन और हाला प्ले की टीम। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और आप जानते हो कि ड्रीम इलेवन में आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे। अगर आपको इन सारे मैचेस के कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। और अगर आपको सारे मैचेस के 6 ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आपको मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे न्यू चैनल की लिंक मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पे भी जाकर सर्च कर सकते हो। मेरे न्यू चैनल का नाम है फैंटेसी टीम 11। वहाँ पर मैं हर मैच की 6 ग्रैंड लीग की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेन्यू के बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा मेलबर्न के ग्राउंड में। इस ग्राउंड की जो पिच रहती है वो बैट्समैन एंड बॉलर्स दोनों को बराबर सपोर्ट करती है। और जो लास्ट मैच खेला गया था वो भी मेलबर्न स्टार वुमेन और पर्थ स्कॉर्चर वुमेन के बीच में खेला गया था, और बहुत अच्छे तरीके से 8 विकेट से मैच को विन किया था पर्थ स्कॉर्चर वुमेन ने। हम आगे बात करने वाले हैं कि इस मैच में मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। लीजा लिली जो टीम के विकेट कीपर है और एंजेला रेक्स, ये दोनों आपको इस मैच में भी कंफर्म ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगी। लीजा लिली ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लास्ट में 22 रन बनाए थे और एंजेला रेक्स ने बनाए थे 18 रन। के टी में एक फ्लोप रही, 5 रन बना के आउट हो गए थे, अच्छी खासी बैटिंग कर सकते लेकिन अभी फ्लोप चल रही है। इस बॉल ने बनाए थे 12 रन और बॉलिंग से भी एक विकेट लिया था। मैग्नन डूफ्रिज ने बनाए थे 2 रन, ये भी एकदम फ्लॉप रहे लेकिन बहुत ही अच्छी प्लेयर है। इलविस ने ठीक ठाक बैटिंग की थी, 26 रन बनाए थे लेकिन बॉलिंग से इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। सदरलैंड ने बनाए थे 10 रन, इनको भी बॉलिंग से कोई भी विकेट नहीं मिला। अलाना किंग ने बनाए थे 13 रन, एक विकेट भी लिया था। निकोला हेंकोंग ने बनाए थे 4 रन, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। फेलिंग ने बनाए थे 9 रन लेकिन इनको बॉलिंग करने का ही मौका नहीं मिला। क्रिश्चियन बीम्स ने बनाया था 1 रन और इनको भी कोई भी विकेट नहीं मिला। तो ये प्लेइंग 11 थी लास्ट मैच में मेलबर्न स्टार वुमेन की, और मेलबर्न स्टार वुमेन अपना लास्ट मैच हार के आ रहा है पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन के सामने। तो हो सकता है अपने प्लेइंग 11 में 1-2 चेंजेस कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे, निकोल मैकिनले और रेफर्टी, ये 3 खिलाड़ी बेंच पे। अब बात करते हैं टीम में चेंजेस के बारे में। यहाँ पे मुझे लगता है टीम एक प्लेयर को चेंज कर सकती है। फेल्डिंग को लास्ट मैच में खिलाया गया था लेकिन इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है फेल्डिंग की जगह टीम मैकिनले और रेफर्टी इन दोनों में से किसी एक को मौका दे सकता है, या निकोल को भी टीम मौका दे सकता है। बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ है, इनमें से आप किसी प्लेयर को अपनी टीम में एकदम सेफ पिक कर सकते हो। हम आगे बात करने वाले कि इस मैच में पर स्कॉर्चर्स वुमेन की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। एली सेविला ने जो टीम के कैप्टन है, और एमी जोन्स जो टीम की विकेट कीपर है, ये दोनों आपको इस मैच में भी कंफर्म ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। विला ने जो टीम के कैप्टन है बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लास्ट मैच में इन्होंने बनाए थे 52 रन। एमी जोन्स जो टीम की विकेट कीपर है, ये 5 रन बना के आउट हो गए थे, हालांकि बहुत अच्छी प्लेयर है, बड़ा स्कोर किसी भी मैच में कर सकती है। बोल्टो ने बनाए थे 23 रन, बॉलिंग से कोई भी विकेट इनको नहीं मिला। ग्राम ने बनाए थे 39 रन, 2 विकेट भी लिए थे, बहुत शानदार बॉलिंग और बैटिंग की थी। लॉरेन इसबेन को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। पिपारो को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। केट क्रॉस को मिला था 1 विकेट। हेलेजेंसन ने लिए थे 2 विकेट। ब्रेस्टन को कोई भी विकेट नहीं मिला। पेशचाल को मिले थे 2 विकेट और इमा किंग को मिले थे 2 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 थी पर्थ स्कॉर्चर्स की लास्ट मैच में, और आप देखते तो सारे प्लेयर्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पर्थ स्कॉर्चर्स ने अपना लास्ट मैच 8 विकेट से विन भी किया। तो मुझे लगता है अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं करेगी, सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ है। और कोई भी न्यूज आती है प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स के इंजरी के बारे में तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, अगर अब तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है किसी भी प्लेयर्स के बारे में तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, तो जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन के टीम्स के बारे में जो मैंने आपके लिए बनाई है। 2 टीम, एक मैंने बनाई है छोटी लीग की टीम और एक मैंने आपके लिए बनाई है ग्रैंड लीग की टीम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं छोटी लीग की टीम के बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लीजा लिली, एमी जोन्स और इमिली स्मिथ। इमिली स्मिथ नहीं खेलेंगे तो आपको अपनी टीम में नहीं लेना। लीजा लिली और एमी जोन्स दोनों सेफ है और दोनों ही ओपनिंग बैटिंग करती है और दोनों ही अच्छी खासी बैटिंग कर सकती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लीजा लिली बहुत अच्छे फॉर्म में है। एमी जोन्स भी बहुत अच्छी प्लेयर है, ये भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी मैच में, तो आप एमी जोन्स को भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अपनी टीम में लीजा लिली को लिया है। आगे बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में।
तो एलिसा विलानी को मैंने अपनी टीम में लिया, बहुत अच्छी फॉर्म में मैग्नन डुफ्रेस को मैंने अपनी टीम में लिया है, लोरेन इप्सरी को मैंने अपनी टीम में लिया और यहाँ से एंजेला रेक्स। तो ये मेरे रहेंगे चार बैट्समैन। अगर अदर ऑप्शन की बात करूँ, मैग लेनिंग नहीं, आपको अपनी टीम में नहीं लेना है, क्योंकि मैग सेफ है, पिपारो आपके लिए सेफ, आप इन्हें भी अपनी टीम में ले सकते हो। यहाँ से आपको अपनी टीम में कार्मिचेल को पिक नहीं करना है, बेंटिंग को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, निकोल खेल सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, बाकी आपको अपनी टीम में डोनाल्ड को पिक नहीं करना है। हम आगे बात करने वाले ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, निकोल बोल्टन, हेदर ग्राम और इरिन ओसबोर्न, इन तीन ऑलराउंडर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। इलिविस सेफ, आप इन्हें अपनी टीम में ले सकते हो, सदरलैंड भी आपके लिए एकदम सेफ है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में, केट क्रॉस, अलाना किंग और निकोला हिंकोंग, इन तीन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। अदर्स ऑप्शंस की बात करो, आपके लिए बीम सेफ है, इमा किंग सेफ है, होली फेल्डिंग हमने आपको बता दें इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं आपके लिए, और अदर्स ऑप्शन की बात करूँ तो आपके लिए कोई भी इतना अच्छा और सेफ ऑप्शन है नहीं। यहाँ से आप पेचाल को अपनी टीम में एकदम सेफ पिक कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, एलिशा विलानी को बनाया कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में रखा है लिजा लिली को। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए रेक्स इसबरी और मैग्नन डुफ्रेस, ये तीनों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छी चॉइस है। बोल्टन, ग्राम और इसबोर्न, इन तीनों को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। करते हैं सेव और बात करते हैं फाइनल प्रयोग के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में लिजा लिली, बैटिंग में एलिशा विलानी, मैग्नन डुफ्रेस, इप्सरी और रेक्स, ऑलराउंडर सेक्शन में बोल्टन, ग्राम, ओसबर्न, बॉलिंग में एमा किंग, हेंकोंग और केट क्रॉस। तो कैप्टन मैंने अपनी टीम में रखा है विलानी को और वाइस कैप्टन मैंने अपनी टीम में रखा है लिजा लिली को। तो ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम। सेकंड टीम की बात करते हैं जो मैंने बनाई आपके लिए ग्रीन लीग की टीम, इमी जोन्स को विकेट कीपर सेक्शन में लिया, बैटिंग में एंजेला रेक्स, एलिशा विलानी, मैग्नन डुफ्रेस और इप्सरी, ऑलराउंडर सेक्शन में ग्राम, ओसबर्न, बोल्टन, बॉलिंग में बीम्स, पेशचाल और इमा किंग। तो कैप्टन ने अपनी टीम में रखा है ऐसे ग्राम को और वाइस कैप्टन ने अपनी टीम में रखा है बोल्टन को। तो ये रहेगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम, इन्हीं दोनों टीमों के साथ में ड्रीम इलेवन में खेलने वाला हूँ, हो सके तो आप भी इन्हीं टीमों के साथ में खेलने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने अपनी टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए और मैंने आपके लिए सेफ और बेस्ट टीम बनाने की कोशिश की है। बाकी मैंने आपको दोनों की टीमों की प्लेइंग इलेवन समझा दी है, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिससे आप खुद से भी टीम बना सकते हो। हम आगे बात करने वाले हाला प्ले ऐप के बारे में, तो अगर अब तक आपने हाला प्ले का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बस जल्दी से आप इस ऐप को डाउनलोड करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और आपको मेरे रेफरल कोड मिल जाएंगे। रेफरल कोड के साथ साइन अप करते हैं, आपको हाला प्ले में इंस्टेंट 100 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो। अब हाला प्ले में आपको यहाँ से दो एडवांटेज मिलेंगे, फर्स्ट के आप टॉस होने के बाद टीम को एडिट कर सकते हो, सेकेंड आप किसी भी ग्रीन लीग में 15 टीम के साथ लीग को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका विनिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। 100% हाला प्ले टेस्टेड ऐप है, 2 दिन के अंदर आपका विड्रॉल अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा ऐप, एक बार मेरे कहने से आप इस ऐप को डाउनलोड करो और जो आपको 100 रुपये का कैश बोनस मिल रहा है एक बार आप इस कैश बोनस से खेल के देखो। जो मैं आज आपको टीम देने वाला हूँ इसी टीम के साथ आप खेलने की कोशिश करना, इस टीम से भी आप हाला प्ले में कुछ ना कुछ अमाउंट विन कर सकते हो या बहुत ही बड़ा अमाउंट विन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम टीम के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन के बारे में, तो लिजा लिली को लिए, बैटिंग में विलानी, मैग्नन डुफ्रेस, केटी मेक और इप्सरी, बॉलिंग में हेंकोंग, इमा किंग, पेशचाल और बीम्स, ऑलराउंडर सेक्शन में ग्राम और इलिविस। तो कैप्टन मैंने अपनी टीम में रखा है लिजा लिली को। तो ये रहेगी मेरी हाला प्ले की टीम, बाकी आप हाला प्ले में टॉस होने के बाद टीम को चेंज कर लेना अगर कोई भी प्लेयर आपका मिस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।